बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गेट स्पोर्ट्स एंड गेट फंक्शन, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने सी इन का एक प्रॉब्लम पढ़ा था कि सी इन फंक्शन जो है वो अगर हम सेंटेंस रीड करना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो वो सिर्फ फर्स्ट वर्ड को एक्सेप्ट करेगा, उसके करेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, बाकी स्पेस जब आएगा तो वो स्टॉप रीडिंग करेगा। ठीक है, तो उसकी जगह गेट्स जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन है फॉर गेटिंग स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। गेट्स इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन इन स्टूडियो डॉट एच। ये इस फंक्शन इस हेडर फाइल में डिफाइन है, विच इज़ यूज टू गेट स्ट्रिंग फ्राम द कीबोर्ड। इट्स जनरल सिंटैक्स इज गेट स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट्स लिखेंगे और स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं जिसमें हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहते कीबोर्ड से, वो हम इधर लिखेंगे। ठीक है, इट रीड्स करेक्टर फ्राम स्टूडियो फ्राम जो हमारे पास कीबोर्ड है उससे, एंड स्टोर देम एज स्ट्रिंग इन टू स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, अनटिल अ न्यू लाइन आर एंड ऑफ फाइल इज रीच। ठीक है, ये उस वक्त तक डेटा एक्सेप्ट करेगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, एंड ऑफ फाइल या न्यू लाइन करेक्टर नहीं आता। ठीक है, अब आप इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास हमने हेडर फाइल लिखे हैं, ये आपके पास हेडर फाइल है, उसके बाद करेक्टर str 150 करेक्टर का हमने अरे डिक्लेयर किया है। इंसर्ट योर फुल एड्रेस। ठीक है, तो हमने इस टेस्ट str में हमने फुल एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है जितने, लेकिन मैक्सिमम 150 करेक्टर तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर जब हमने अपना एड्रेस इंटर कर लिया, उसमें स्पेसेस भी थे, सब कुछ था, तो वो गेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कीबोर्ड से। अब ऑलरेडी str में टेस्ट str जो वेरिएबल है, जो एक अरे है, उसमें हमारा एड्रेस स्टोर हुआ। अब cout के ज़रिए हम उसको डिस्प्ले कर लेंगे। अब गेट रिटर्न एंड रिटर्न ज़ीरो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इंसर्ट यूअर फुल एड्रेस, तो हमने एड्रेस इंटर कर लिया और योर एड्रेस इज़, अब ये देखिए इनके दरमियान स्पेस भी है, लेकिन चूंकि हमने गेट्स फंक्शन इस्तेमाल किया है इसलिए इसने पूरा हर एक वर्ड को विद इन स्पेस एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम पुट्स भी पढ़ लेते हैं। पुट्स दरअसल अभी एक फंक्शन है जो इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, पुट्स फंक्शन राइट्स अ स्ट्रिंग टू द स्क्रीन एंड अपेंड्स अ न्यू लाइन, लेकिन न्यू लाइन भी उसके साथ ऐड करता है। ठीक है, अब आपके पास पुट्स स्ट्रिंग वेरिएबल। इस प्रोग्राम में देखें, ये हेडर फाइल हमने लिखे हैं, उसके बाद मेन फंक्शन, ये वही फंक्शन इंटर अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटर कर लेंगे किस चीज़ में, टेस्ट str जो है कि एक आपके पास अरे है ऑफ टाइप करेक्टर। ठीक है, यू इंटर्ड पुट्स, पुट्स क्या करेगा, टेस्ट str में जो आपने स्ट्रिंग इंटर कर लिया, सेंटेंस इंटर कर लिया, वो टेस्ट str में पढ़ा है उसको डिस्प्ले कर लेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।